जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हमदर्द सेंटर में, जहाँ पे इंसाफ सुपर लीग की ज़ेर एहतमाम जो है स्पोर्ट्स के नौजवानों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया और टैलेंट के बेस पे इनको जो है इनकी कैटेगराइज किया गया और चार टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के जो है चार टीमें तश्कील दी गई हैं और बारी बारी जो है इनके मैचेस भी होंगे। और इसमें आए हम बात करते हैं जो इस ISL इंसाफ सुपर लीग के जो मेन कारकुन है जो इसको चला रहे हैं, आसिफ इकबाल साहब से, चौधरी इमरान गुजर से, मुनफर गोंदल से। जी अच्छा, इसमें चार फिर फॉर्मेट बनाए हैं, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और 23। इसमें चार चार टीमें हमने रखी हैं जो आपस में सिंगल लीग की बुनियाद पर खेलेंगी और हर टीम को कम से कम हर बच्चे को 3 दिन मैच मिलेंगे, उसके बाद फाइनल जो भी होगा। इसमें ये हमने ये फॉर्मेट रखा और इंशाल्लाह ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। जी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मकसद ये है कि जो बच्चे ग्राउंड में जो जिनको मुफ्त हिसाब से खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो क्लबों में खेलते हैं उनको तो बहुत सारे मौके मिल जाते हैं आगे जाने, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो स्ट्रीट पे चलते हैं और इनको कोई परेशानी हाल नहीं होता, उन लोगों को हमने इकट्ठा किया है। पहले हमने टैलेंट करवाया, उन बच्चों को निकाला वहाँ से, उनको निकाल के हम लोग यहाँ लाए, आज इस सरमी की है, हम इनके मैच कराएं और इंशाल्लाह ताला पूरी सुपर लीग होगी और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे अपनी अपनी सलाहितों पे, जिस पे जितनी सलाहित होगी वो आगे जाएंगे और इंशाल्लाह जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम नेशनल जो एकेडमी है उनमें इंशाल्लाह ताला इनको दाखिला भी दिलवाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जहाँ तक जा सकते हैं बच्चे मेहनत करेंगे और हम उनकी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान, आपको पता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान जो एक स्पोर्ट्स मैन है और उनके नज़रिए को लेके आगे चलते हुए और ये इन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पहले आज से पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो हमारी ये कोशिश है कि इन बच्चों में से भी कोई वसीम अकरम बने, कोई वकार यूनुस बने, कोई मोहम्मद यूसुफ बने, तो अल्लाह ताला इनकी रहनमई करें और हम इन पे पूरा हम इनके साथ तआमुन करेंगे आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसमें हमने जो उनमें इस वक्त हमने 16 टीमें जो हैं वो अनाउंस की हैं जो मुस्तली कैटेगरी की, और इसमें दो ख़वातीन की टीमें भी हैं, तो ये तो है हमारा इसका जो अभी आप देखेंगे इस पूरे वीक में इंशाल्लाह रमज़ान तक ये मैच होंगे इनके हवाले से और इनके हम इनको किटें भी दे रहे हैं, सब कुछ हम बगैर उसके किसी के जो है ना लालच के, और ये इतने बच्चे खड़े किसी से पूछें किसी से 1 रुपया लिया हो तो हम सब इनके लिए काम कर रहे हैं और जितना हो सकेगा हम इनके लिए करेंगे। ISL का मकसद ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके अपने हुनर को सामने ला सकें, और ये तरीके इंसाफ के ये जो फाउंडर्स स्पोर्ट्स एंड कल्चर फाउंडर्स हैं इनका बहुत अच्छा इकदाम है कि ये बच्चों को चांस दे रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हमारे मुल्क का टैलेंट सामने आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम स्पोर्ट कल्चर के सदर जो उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम रखा। हमारे नौजवानों में टैलेंट हर किस्म की, जो एक क्रिकेट के हवाले से जो एक प्रोग्राम रखे हम उसका शुक्रगुजार है। हमारे नौजवान जो है नौजवान हर शोबे में उसमें बेहतरी लाने के लिए क्रिकेट में ज़्यादा जो उसको फायदेमंद साबित हो सकता होते हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है एक लीडर खिलाड़ी के हिसाब से जो उसने वर्ल्ड कप जीता, इस हवाले से हम स्पोर्ट कल्चर पर इंशाल्लाह तवज्जो देंगे नौजवानों के लिए। 16 टीमें बनाई हैं, उसमें चार चार ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें 13, 16, 19 और 23 है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम वो बच्चों को प्रमोट करेंगे जो वाकई ही स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन खेलने के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बग़ैर किसी अखराजात, गवर्नमेंट के अखराजात के बग़ैर हमने अपने सेल्फ अखराजात के बिना पर यह किया है और इंशाल्लाह ताला हम स्पोर्ट्समैन लोगों को प्रमोट करके ऊपर लेके आएंगे और उनको पता चलेगा दुनिया को कि वाकई इमरान खान के विजन जो है ना वो वाकई स्पोर्ट्समैन का है और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे ग्राउंडों को बात करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये स्टार्टिंग हमारी ISL जो है ना ये लाहौर से शुरू हुई है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो है ना ये सुबाइयत पर जाएगी, फिर ये ऐसा ऐसा जो है ना कौमी लेवल पर जाएगी। इसीलिए हमने ना पहले जो है ना लाहौर से शुरू किए, लाहौर के बच्चे जो प्रमोट होकर ऊपर आएंगे उनको ऐसा ऐसा जो है ना वो सूबों में करेंगे, उसमें पंजाब में इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश और मीडिया की भी बड़ी उसमें मेहरबानी है कि वो हमारे साथ तआमुन कर रहे हैं। इसी तरह तआमुन के साथ बच्चों को जो प्रमोशन मिलेगी ना वो बच्चों के लिए बेहतरीन जो है ना एक ग्राउंड्स जो है ना वो आबाद करने में अहम किरदार अदा करें और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को आगे से आगे लेके चलें
और नया टैलेंट जो है ना वो लेके आए। ये देखें जी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया इंसाफ फेडरेशन ने, और माशाल्लाह इन तीन कैटेगरी बनाई है इन्होंने, अच्छा अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान में पहला प्रोग्राम है कि चूँकि हमें ये खुशी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम, इसमें जो काविश है सब साथियों की, मुश्ताक साहब हैं, इमरान साहब हैं, असद साहब हैं, फयाज है, हैदर साहब हैं, सियाल साहब हैं, आसिफ कमाल साहब हैं, ज़फ़र गोंदल साहब हैं, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये पाया तकमील तक पहुंच गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के, काफ़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट खिलाया, हमें मौका मिला खेलने का, और साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे लेवल पर ये हो रहा है, तो हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर दो दिन के बाद मैच है हमारा, यस सर, ये इलामा इकबाल का हूँ जी। बिल्कुल, हमने इंसाफ सुपर लीग के अहदेदारान से बात की है, उनका कहना था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो तलबा में स्पोर्ट्स की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए ये हमने इंसाफ सुपर लीग बनाई है, और इससे तलबा में जो है स्पोर्ट्स खेलने का जो है रुझान बढ़ेगा, और ये आइंदा आने वाले अपने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं जी। कैमरा मैन आकिल के साथ हमदुर रहमान, लाहौर 24, लाहौर।